हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक ऐसा चैलेंज कर रहे हैं कि वन वीक के अंदर ही हम कैसे अपनी स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो ला सकते हैं। एक बहुत ही आसान सी चीज़ को अपने जो रोज़ के रूटीन में है वो हमें अपनाना है। जो रोज़ हमारे घर में हम काम करते हैं बस उसी से हमें वो काम करना है। और वो मैजिकल चीज़ जो है वो है चावल का पानी। जो भी हम चावल जो है अपने बनाते हैं तो उन चावलों का जो पानी है हमको किस तरह से यूज़ करना है। चावल में बहुत ही अच्छा स्टार्च होता है और ये जो है हमारी स्किन में जो पिगमेंटेशन होती है उसको दूर करने में, किसी भी तरह के दाग धब्बे छाइयाँ इस तरह का कुछ भी अगर आपकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम चल रही है तो वो बहुत ही जल्दी आप इसको करके देखिए। अगर बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज हो रखा है तो आपको मंथ दो मंथ भी लग सकते हैं, पर ये बहुत ही रियली अच्छा वर्क करता है। मैंने खुद इसको करके देखा और तब आपके साथ ये वीडियो शेयर किया कि ये इसके रिज़ल्ट कैसे आते हैं। तो हम चावलों को अपने जब भी हम खाना बनाएंगे तब हमें चावल अपने ले लेने हैं, और धोते ही हैं हम चावल तो पहला पानी हमें साइड कर लेना है चावलों को धो के। मैं एक्स्ट्रा चावल लेके फिर उसको करूं, फिर उन चावलों को वेस्ट करूं, वैसा काम नहीं करती। जब मैं खाना बनाती हूं, जब चावल पकाती हूं उसी समय में उस पानी को मैं ले लेती हूं, उस पानी को मैं फेंकती नहीं हूं। ठीक है, तो आप भी अगर मतलब अपने घर में आपके पेरेंट्स हैं या कुछ भी मम्मी हैं वो लोग बना रहे हैं खाना, तो आप उनको बोल दीजिए कि मेरे लिए इस तरह से आप चावल का पानी निकाल के अलग से रख दीजिए, उसको फेंकिए मत। मैं वैसे दोनों ही पानी फेंकने वाली नहीं हूँ, जो पहला पानी है धो के उसको मैंने साइड कर लिया है देखिए किस तरह से, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं वो हम अपनी स्किन पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसमें डस्ट होती है, धूल मिट्टी होती है, तो इसीलिए उसको हमने साइड कर रखा है। और सेकंड जो हम पानी है उसको अच्छे से अपने चावलों को साफ करेंगे ताकि उसका अच्छे से जो भी बेनिफिट्स हैं वो चावल के पानी में हमें मिल जाएं। अगर हम अलग से इस प्रोसेस को करते हैं तो आपको थोड़े से चावल लेके थोड़ी देर के लिए पानी को धो के उसको रख के और थोड़ी देर पानी में रख के मतलब सोक करके उसको आधे एक घंटे के लिए रख भी सकते हैं, तब उस पानी को ले लीजिए और भी अच्छा होगा। बट ये भी कोई बेकार नहीं निकला, ये भी बहुत ही अच्छा निकला। मैंने एक बार इसको चेक करके देखा कि भाई देखती हूँ तभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मुझे रिज़ल्ट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। मैंने इसको लगभग 10 डेज तक यूज़ किया है, बट हर रोज़ मैं वीडियोस शूट नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने 4-5 दिन के ब्रेक लगा के अल्टरनेट वीडियोस शूट किया है। और इस तरह से मैंने जो सेकंड पानी है उससे अपने फेस को बस जाके धो लिया। मैंने इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ मिलाई नहीं है अभी तक, मैंने सिर्फ चावल का जो पानी है वो लिया है। आप सोचिए कितना मतलब आसान चीज़ है यार, हमारे घर में ही होती है। हम हज़ारों हज़ारों रुपए का पार्लर में जाके खर्चा करते हैं ग्लो के लिए, लेकिन आप सोचिए कि आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और आप उनसे बहुत ही अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। और इसके मेरे मतलब मेरी स्टार्टिंग में स्किन देखिए थोड़ी सी डल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे ये जो डलनेस है आफ्टर मतलब 8-10 जैसे ही डेज होने लग गए उसके बाद मैंने देखा कि मेरी स्किन में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया। अभी भी काफ़ी अच्छी है बट इसके अलावा भी काफ़ी अच्छा चेंज आएगा। आप धीरे धीरे बस वीडियो को आपको पूरा देखना है तभी आपको पता चलेगा। और जो फर्स्ट मैंने पानी लिया था उसको मैंने अपने हिबिस्कस के प्लांट में जो है डाल दिया, उसको मैंने फेंका नहीं है, ये खाद का काम करेगा। देन देखिए सेकंड टाइम मैंने 2 दिन मतलब वीडियो नहीं बनाया उसके बाद, देखिए 2 दिन के बाद का वीडियो मैंने शूट किया है, और लेकिन मैंने रेगुलर हर रोज़ ये किया है और अभी भी मैंने इस चावल में कुछ भी नहीं मिलाया है और सिर्फ वो चावल का जो पानी है धो के वही लिया हुआ है। मैं जब मर्जी मतलब रख लेती हूँ, अगर ये थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए, 1 दिन पुराना भी हो जाए तो भी चलेगा, उससे भी कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और इस तरह से आप इससे फेस को अपने बस धो लीजिए। अगर आप इसको मॉर्निंग में करते हैं फेस वॉश करके तो और भी अच्छा है, मतलब और भी ज़्यादा अच्छा तरीका है। अगर आप मॉर्निंग के टाइम में सुबह सुबह इससे फेस धोते हैं तो और भी अच्छा है। देन मैंने आफ्टर 2 डेज ऐसा मैंने 4-5 डेज करने के बाद में मैंने क्या किया है, इस बार मैंने चावल के पानी को लिया है और इसमें विटामिन ई के कैप्सूल को एक मिला लिया, और अब ये हमारा प्रिपेयर हो गया है एक सीरम।
ठीक है, इसको अच्छे से हम शेक करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये जो हमारा सीरम प्रिपेयर हुआ है, इससे हम क्या करेंगे, अपने फेस पे स्प्रे करेंगे। ठीक है, आप इसको अपने बालों में भी स्प्रे कर सकते हैं, ये बालों के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना कि हमारे फेस के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि फेस पे लगा रहे तो बालों में नहीं लगा सकते हैं। और इसको आप अच्छे से लगा लीजिए, अगर आपके पास फ्रिज है तो आप फ्रिज में इसको एक हफ्ते तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में फ्रिज नहीं है तो आप बाहर भी चाहें तो 2-3 दिन का यूज़ करने के लिए बनाइए, ज़्यादा मत बनाइए। जैसे मैंने बनाया कि छोटा सा थोड़ा सा बैच बनाइए और फिर उसको यूज़ करके 2-3 दिन में ख़त्म कर दीजिए, फिर नया बना लीजिए। देन उसके बाद में मैंने ये जो स्प्रे बॉटल है इसमें मैंने रोज़ वाटर लिया है फ्रेंड्स, साथ साथ में मैंने जो राइस का वाटर है, राइस वाटर ही है, राइस वाटर के साथ में मैंने रोज़ वाटर भी अप्लाई करके देखा है कि रोज़ वाटर भी साथ साथ में, देखिए विटामिन ई के बाद में बहुत और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। देखिए मेरे स्किन की जो टेक्सचर है वो कितनी धीरे धीरे चेंज होती जा रही है, मैंने फर्स्ट डे से देखिए करीब एक हफ्ता बीत चुका है। और तो आप भी फ्रेंड्स इसी तरह से यूज़ करके देखिए और पाइए एकदम बेनिफिट रिजल्ट्स इसके, राइस वाटर के कितने अच्छे होते हैं। और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हो, अगर कोई बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।